देख रहे हैं दो कदम, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर आ रही है, पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 का परिणाम जारी नहीं हुआ। 5 साल से भर्ती जारी है, अभी परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बेरोजगार पशु चिकित्सकों के लिए भारी पड़ रहा है अब ये इंतजार। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने 1 जून को कहा था, भर्ती परीक्षा को लेकर कहा था कि जल्द जारी होगा परिणाम, राज्य सरकार भर्ती को जल्द पूरा करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन भर्ती में नियुक्ति होना तो अभी दूर की बात है, आरपीएससी द्वारा परीक्षा का परिणाम ही जारी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों लग रही है। आपको बता दें कि पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 का परिणाम जारी नहीं हुआ अभी तक। काशीराम जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। काशीराम, ये जानकारी मिल रही है कि 2019 का परिणाम अभी भी जारी नहीं हुआ है, पशु चिकित्सा अभ्यर्थी अधिकारी का जो भर्ती परीक्षा थी, और 5 साल में भर्ती जारी है लेकिन अभी तक इंतजार है तो सिर्फ रिजल्ट का। आखिर ये रिजल्ट कब आएगा? ये जो भर्ती है पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती, जो की 900 पदों के लिए हो रही है, और इसकी भर्ती की विज्ञप्ति वर्ष 2019 में निकाली गई थी जी। इसके बाद जो भर्ती परीक्षा थी उसको लेकर के विवाद हुए थे, कुछ हाईकोर्ट में मामले चले गए थे, और हाईकोर्ट में मामले जाने की वजह से ये भर्ती पिछले 3 साल से लगातार रखी हुई थी। और अब जबकि भर्ती के जो है इंटरव्यू हो चुके हैं, आरपीएससी ने करीब 7-8 महीने में ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है इंटरव्यू की, तो उसके बाद अब अभ्यर्थियों का इंतजार है कि जल्द से जल्द इसका जो परिणाम है वो जारी किया जाए। एक तरफ तो जहाँ पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों की कमी है, पशु चिकित्सकों की कमी होने की वजह से जो पशु हैं, जो मवेशी हैं, उनका उपचार प्रभावित होता है। दूसरी तरफ जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने की उम्मीद लगाई हुई है और सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, वो अभ्यर्थी भी लगातार परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक नियुक्ति होना मुश्किल है। दूसरी तरफ 1 जून को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने साफ कहा था कि राज्य सरकार जल्द ही अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा के तहत नियुक्ति देगी। तो अभी अभ्यर्थियों का कहना यह है कि नियुक्ति होना तो दूर की बात है, अभी तक आरपीएससी द्वारा परिणाम भी जारी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने आरपीएससी से और राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनका परिणाम जारी किया जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी है बेरोजगार अभ्यर्थी, उनका इंतजार समाप्त हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।